विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अमृतम भक्ति योग नामक 12वें अध्याय पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें पूर्णता की तरफ था यह अध्याय। और इसमें भगवान ने कहा कि यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। श्लोक संख्या 17 कि कौन भक्त मेरे को प्रिय है, उस प्रियतम भक्तों की गुणों का बखान कर रहे हैं भगवान स्वयं के मुखारविंद से। और कहा कि जो न हर्षित होता है सुख को पाकर के, इष्ट को पाकर के न हर्षित होता है, और न ही अनिष्ट को प्राप्त करके जो द्वेष करता है। तो जो न हर्षित होता है और न ही द्वेष को प्राप्त करता है, और न सोचती न कांक्षती, न शोक करता है, न किसी प्रकार के जगत के सुख लालसा आदि करता है, न जगत के सुख की आकांक्षा करता है, और जो शुभ और अशुभ का परित्याग कर चुका है। क्योंकि शुभ अशुभ ये दोनों स्वार्थपूर्वक किए जाते हैं। स्वार्थ का परित्याग यानी कि राग द्वेष का जिसने परित्याग कर दिया तो उसका कर्म निष्काम कर्म होता है, वो न शुभ होता है और न अशुभ होता है। क्योंकि शुभ कर्म भी स्वर्ग प्राप्ति का अनंतर बंधक ही बनता है, बंधन में ही डालता है। इसलिए शुभ और अशुभ दोनों के परित्याग की बात है तो तभी हो सकता है जब राग द्वेष रहित होकर के कर्म किया जाए। इसलिए वह साधक, वह भक्त राग द्वेष रहित हो गया है, इसलिए उसका जो कर्म है वह निष्काम कर्म हो जाता है, उसी को दिव्य कर्म कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि भक्ति मान्य है समय प्रिय, ऐसे भक्तिमान भक्ति से पूर्ण भक्त मेरे को प्रिय, वह मेरा प्रिय है। और भी आगे भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 18 में, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। करें कि समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र में जिसका भाव समान हो चुका है, यानी कि शत्रु और मित्र दोनों में समान भाव है, न शत्रु से उसको द्वेष है और न ही मित्र से अतिशय प्रीति है। शत्रु और मित्र दोनों में समान, शत्रु के बढ़ने पर, शत्रु के सुख की प्राप्ति होने पर वो सुखी होता है, और मित्र के प्राप्ति होने पर जिस प्रकार सुखी होता है वैसे उसमें भी सुखी होता है। तो कोई विकार नहीं होवे, शत्रु और मित्र में समान भाव से व्यवहार जो करने वाला है। शत्रु भले ही उसके प्रति शत्रुता का भाव रखे, परंतु वह भक्त शत्रु के प्रति शत्रु भाव नहीं रखता है, ब्रह्म भाव ही रखता है। इस प्रकार से शत्रु और मित्र में जो सम हो चुका है, और इसी प्रकार से मान और अपमान में ही दोनों सम हो चुका है। मान में भी उसको विकार नहीं होता, अपमान में भी विकार नहीं होता, मान और अपमान दोनों में विकार होता है। मान सम्मान प्राप्त होने पर व्यक्ति हर्षित होता है, हर्ष विकार होता है, अपमान होने पर वो द्वेष करता है, उसको खराब लगता है। तो ये विकारों से जो रहित हो चुका है, मान और अपमान दोनों में सम हो चुका है, प्रारंभ में सम नहीं हुआ जाता है, उसमें विकार आते हैं, मन में हलचल होता है, लेकिन मन में हलचल को रोक देना ये भी एक प्रकार का तप है। वो धीरे धीरे रोकते रोकते इस प्रकार से अभ्यास हो जाएगा कि वह मन में ही नहीं उठेगा। प्रारंभ में मन में उठता है तो मन में उठ करके मन से ही दबा देना पड़ता है उसको, बुद्धि के द्वारा उसको दबा दिया जाता है, उसको शरीर वाणी के स्तर पर नहीं आने दिया जाता है। मन के जो विकार हैं वो मन में ही रहे, और उसको प्रतिपक्ष भावना इत्यादि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसको दबा दिया जाता है, तो वह वाणी में नहीं आ पाता और कर्म में नहीं आ पाता। इस प्रकार से प्रारंभ में ऐसा अभ्यास किया जाता है, और बाद में वह अभ्यास करते करते अभ्यास की परिपक्वता में यह हो जाता है कि वह मन में भी विकार आना बंद हो जाता है। तो उस समय की बात है, जब मन में विकार आना बंद हो जाए तब मानना चाहिए कि सम हो गया, नहीं तो सम करने का प्रयास करना चाहिए। तो मान अपमान, शत्रु मित्र, और इसी प्रकार सुख, ये शीत और उष्ण में,
अत्यधिक शीत हो तो भी नहीं घबरा रहा है, अत्यधिक उष्ण हो तो भी नहीं घबरा रहा है, दोनों को जो सहन कर रहा है, दोनों में जो सम है, सम का मतलब सहन करना है। और इस प्रकार संग विवर्जित, समस्त प्रकार का संग आसक्ति राग से विवर्जित है, रहित है, वह भक्त मेरे को अतिशय प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। और आगे भी कह रहे हैं श्लोक संख्या 19, तुल्य निंदा दुर्मौनी संतुष्टो ये न के नचेत अनिकेत स्थितिर्मत्ति भक्ति मान में प्रियो न रहा। करें भगवान की तुल्य निंदा स्तुति, जो निंदा और स्तुति दोनों में समान है, निंदा में भी और स्तुति में भी, कोई स्तुति करे तो भी ज्यादा उसको अंतर नहीं पड़ता, निंदा करे तो भी अंतर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अंतर तभी नहीं पड़ेगा जब व्यक्ति अहंकार से रहित होकर कर्म करेगा। मैंने कर्म किया ही नहीं, कोई भी अच्छा कर्म करने पर स्तुति होता है, बुरा कर्म करने पर निंदा होता है। कई बार अच्छे कर्म करने पर भी बुरे लोग निंदा कर देते हैं, उस तरफ ध्यान नहीं देना है। अच्छाई करते हुए भी स्तुति भी होती है और निंदा भी होती है। तो अच्छे कर्म हम करते हैं तो स्तुति में ज्यादा प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि करवाने वाले तो भगवान ही हैं। और जो निंदा कर रहे हैं, निंदा करने वाला जो पक्ष है, क्योंकि असुर कोटि का है, वो निंदा करेगा, उस निंदा में भी उसको विचलित नहीं होना है, क्योंकि उसमें भी ब्रह्मभाव ही देखना है। तो निंदा करने वाले ही भगवान ही है, उसके माध्यम से करवा रहे हैं ताकि हमें और परिपक्व बनाना है। तो और परिपक्व बनाने की दृष्टि से भगवान ही निंदक के माध्यम से निंदा करते हैं भक्त की, यह भाव रखना चाहिए। क्यों रखते हैं? ताकि वह परिपक्व हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से उस निंदक के प्रति भी द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए, यह भगवान कहने। तुल्य निंदा स्तुर मौनी, निंदा और स्तुति में जो तुल्य है और मौन है, मौन का तात्पर्य है काष्ठ मौन से नहीं है कि एकदम बोलना ही नहीं है, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना है, उससे अतिरिक्त नहीं बोलना है, व्यर्थ का प्रलाप नहीं करना है, बकबक नहीं करना है, अशुद्ध प्रलाप आदि होते हैं वो नहीं करना है, जितना आवश्यक उतना ही बोलना है। ऐसे बोलने से वाणी की गंभीरता भी बनी रहती है, वाणी का प्रभाव भी पड़ता है, और बकबक बोलने से, बिना मतलब का बोलने से, ज्यादा बोलने से वाणी की महत्ता कम हो जाती है, वाणी की गंभीरता गिर जाती है, लोग सुनना बंद कर देते हैं। और जो व्यक्ति कम बोलते हैं, आवश्यकता अनुसार बोलते हैं, जब बोलना है तभी बोलते हैं, जहां बोलना है वहां बोलेंगे, जहां चुप रहना है चुप रहेंगे, इस प्रकार के जो अभ्यास वाले हैं उनकी वाणी को सब सुनने के लिए आतुर रहते हैं और उनकी वाणी प्रभावशाली होती है। इसलिए अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाने के लिए भी है कि व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार बोलनी चाहिए, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना चाहिए। तो इसलिए मौन भी रहना चाहिए, व्यक्ति को मौन कहा है। और जो संतुष्ट है, जितना प्राप्त हो गया, जैसा भी है, जैसा हमारा शरीर है, जैसा घर परिवार है, जैसे माता पिता हैं, जैसे गुरुजन हैं, जिस प्रकार से धन संपत्ति भगवान के द्वारा प्राप्त है, या जो भी कुछ हमें प्राप्त है, उन समस्त प्राप्त वस्तुओं में, प्राप्त संबंधों में संतुष्ट रहता है जो। और अनिकेतः ये न केनचित संतुष्ट है, जिस किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह हो जाए, गरीबी में जी जाए या अमीरी में हो जाए, अभाव में हो जाए या धन संपत्ति के भाव में हो जाए, भाव हो अभाव हो, सुख हो दुख हो, व्याधि हो निरोगता हो, इन समस्त चीजों में न किन प्रकार से चल रहा है शरीर, संतुष्ट है, जीवन चल रहा है, से कोई उलाहना नहीं है किसी प्रकार के, भगवान के द्वारा, भगवान से, अथवा किसी भी प्रकार से किसी जन के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति किसी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं है, कोई उसको उलाहना नहीं है, संतुष्ट है। जैसा भी दिया भगवान ने, अच्छा दिया, उससे संतुष्ट रहना चाहिए। और जो इस प्रकार से संतुष्ट रहता है, जिस किसी भी प्रकार से, और फिर कह रहे हैं भगवान अनिकेत, अनिकेत होकर, निकेत आश्रम को बोलते हैं, घर द्वार को बोलते हैं। और जो अनिकेत हो गया, यानी कि घर में रहते हुए मानो घर में नहीं है, इस प्रकार से आसक्ति का त्याग कर दिया जिसने, यानी घर से राग नहीं है, क्योंकि घर हमने बनाया है, इस प्रकार से राग हो जाता है ये मेरा घर है, फिर घर को देख देख करके और घर बनाने वाला हर्षित होता है और बार बार अपने पुत्रों को ये दिखाता है कि मैंने बनाया, नहीं तो जब हम आए थे, जब हमें अलगाव किया गया था उस समय हमें एक झोपड़ी मिली थी और वहां से हमने महल खड़ा किया, इसलिए तुम्हारा धन्य भाग है, इस पिता का कद्र करो, इस प्रकार से गुणगान गाओ, बार बार ऐसा कहता है। क्यों व्यक्ति कहता है? क्योंकि वह अहंकार पूर्वक कर्म किया है, कर्तापने से युक्त होकर कर्म किया है,
और वही व्यक्ति जब इस प्रकार से बोलता है, बार बार बोलता है, और फिर बच्चे कदर नहीं करते तो फिर दुखी होता है। वह आसक्ति का त्याग होकर के कर्म करता और यह सोचकर कर्म करता कि भगवान के द्वारा ही हो गया, हमने तो सोचा भी नहीं था, हमको पता भी नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे भविष्य क्या होगा ये कौन जानता है। भविष्य की परिकल्पना जितने भी लोगों ने अधिकतर किए हैं करते हैं वो सब निरर्थक ही होती है, और भविष्य में वही घटता है जो हमने सोचा नहीं होता। तो इसलिए सोच करके काम करें, वो हो जाए सारे के सारे सोचे हुए काम, तो कह सकते हैं कि भाई हमने सोचा था कर लिया, लेकिन यहां तो कुछ और देखा जाता है। सोचे हुए कार्य होते नहीं है, न सोचे हुए कार्य हो जाते हैं। तब यह समझना चाहिए कि इसके पीछे कोई है, कि हमारे सोचने में अनुष्ठान में कुछ है नहीं। इस प्रकार से जब है ही नहीं तो राग टूट जाता है कि भाई कर्म हम नहीं कर रहे, वो करवाया जा रहा है किसी के द्वारा, तो भगवान के द्वारा करा दिया गया। भगवान के द्वारा भगवान ने हमको निमित्त बना करके झोपड़ी से महल खड़ा करवा दिया जिसमें आप लोग रह रहे हैं। तो इस प्रकार से राग से रहित होकर के, घर आदि में भी राग से रहित होकर के जो रहता है और स्थिर मति वाला है, मति जिसकी स्थिर है, डवाडोल नहीं है, कभी इधर उपास्य के नाम पर, ध्यान के नाम पर, विधि के नाम पर, कभी ये उपास्य है, कभी इनकी पूजा करता है, कभी उनकी पूजा करता है, कभी इस विधि से करता है, कभी इधर आकर्षित होता है, फिर किसी भक्त को दूसरे देख लेता है कि ये भक्त तो इस प्रकार से पूजा करते हैं तो फिर वही करने लगता है, फिर कभी कोई आता है उसको देख लेता है कि इस प्रकार से पूजा करता है तो फिर वही से करना नहीं। तो इस प्रकार से डवाडोल की स्थिति जो है वो न है, उपास्य के नाम पर, पूजा पद्धति के नाम पर, साधना के नाम पर, जो गुरु ने दे दिया, जो शास्त्र ने बता दिया, उस पर दृढ़ विश्वास है, उसमें स्थिर मति हो गई है, मति स्थिर हो गई है, ऐसे भक्तिमान पुरुष भगवान कह रहे हैं कि मेरे को प्रिय है, भक्तिमान में प्रियो नर, इस प्रकार से नर जो है मेरा प्रिय है। अब अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं परिउपासते शुद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। कह रहे भगवान की परंतु ये शुद्धधाना मत्परमाः, ये जो श्रद्धायुक्त हो करके, और कैसे श्रद्धायुक्त पुरुष किस प्रकार से, मत्परमाः, मैं ही जिनका परम आश्रय है, मैं ही जिनका परम आश्रय हूं, इस प्रकार की अवधारणा वाला जो व्यक्ति है, मतपरायण होकर के जीने वाला है, इदम यथा उक्तम, वो क्या कहा गया है, धर्म्यामृतम, ये जो भी धर्म कहे गए हैं भक्त के, जो धर्म जिस धर्म से युक्त होकर के, जिस गुण से युक्त होकर के भगवान कह रहे हैं कि वो हो जाता है तो मेरे को इसे प्रिय हो जाता है, ये जितने धर्म यथा उक्तम जिस प्रकार से कहे गए हैं, 32 गुण यहां पर कहे गए हैं, और ये कैसे हैं, ये धर्म अमृत स्वरूप है, क्योंकि अमृत दिलाने वाले हैं, इसलिए इन धर्म को भी अमृत कह दिया गया, ये सब गुण हैं, इन गुणों से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनको तत्व ज्ञान प्राप्त कराते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मोक्ष ही अमृतत्व है, इसलिए मोक्ष को अमृतत्व दिलाने वाले जो ये गुण है, साधन है, इसको भी अमृत शब्द से भगवान ने कह दिया। तो ये जो धर्म अमृतम है, ये धर्ममय अमृतमय जो धर्म है, और इसको जो परिउपासते, इसकी उपासना करता है, धारण करता है, ते भक्ता में अतीव प्रिया, वह भक्त मेरे को अतीव प्रिय है, क्योंकि सारे गुण जिसमें हो जाए, एकाध गुण हो जाए तो भी हमारा जीवन चरितार्थ हो जाता है, परंतु करेंगे जो जिसने सारे गुणों का समन्वय कर लिया, मधुमक्खी की तरह जिन्होंने सारे रसों का संग्रह करके और अपना जीवन जैसे मधुमय बना लिया, मधुरमय जीवन बना लिया, शहदमय अमृतमय जीवन बना लिया, तो कह रहे हैं भगवान की वह भक्त अतीव प्रिय है, मेरा अत्यंत प्रिय, ये 32 के 32 गुण हो जाए तो भगवान कहेंगे वो तो मेरे लिए अतीव प्रिय है। बाकी एक श्लोक में जो जो गुण कहे हैं वो गुण भी धारण हो जाए तो भी भगवान कहते हैं कि मैं उनको उनसे प्रेम करता हूँ। वैसे भगवान यहाँ पर प्रेम का तात्पर्य है कोई विशेष लगाव भगवान से, बाकी सामान्य लगाव तो सबके प्रति होता है, भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, सामान्य लगाव तो सबके प्रति होता है क्योंकि सबके लिए समान रूप से भगवान रहने खाने पीने आदि की व्यवस्था किए ही, चाहे कोई भी है, निकम्मा भी है उसको भी भोजन मिल ही जाता है, भगवान की देखिए व्यवस्था, कुछ कर्म नहीं करता है तो भी हमने देखा है कि गांव में उसको भोजन मिल जाता है, रहने के लिए कोई भी उसको जो है कुछ ना कुछ कहीं आश्रय दे ही देता है, कहीं गांव में किसी को ऐसा तो रखते नहीं कि भाई
उसने घर नहीं बनाया क्योंकि कर्म नहीं किया, मकान इत्यादि बनवाए नहीं क्योंकि निकम्मा है, कहाँ से बनवा पाए। तो इधर उधर जो है कभी किसी के दरवाजे कभी किसी के घर एक दो दिन के रख लेते हैं लोग, कहीं कोई दयालु मिल जाते हैं, बोले भैया रहो हमारे पास, कहाँ जाओगे। तो भगवान देखिए बड़ा कृपालु है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था उसके लिए भी करा ही देते, अत्यंत अपुरुषार्थी है, निकम्मा है, निठल्ला है, उसको भी भोजन वस्त्र और रहने की व्यवस्था भगवान किसी न किसी के माध्यम से करवा ही देते हैं। तो सामान्य जो है लगाव तो सबके साथ है, सबका ख्याल भगवान रखते हैं, परंतु यहाँ पर उन विशेष लगाव की बात है जिससे भगवान प्रसन्न होकर के भक्त के जीवन को कृतार्थ करते हैं और मोक्ष दिला करके उसको कृतार्थ करा देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 12वां अध्याय भक्ति योग नामक पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोध्यायः अथ त्रयोदशोध्यायः। अब 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये इसका विभाग पूर्वक इसमें बताया जाएगा कौन क्षेत्र है कौन क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने से फिर आगे जो है मोक्ष की प्राप्ति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति और उससे मोक्ष की प्राप्ति की बात है, इसलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का गान होना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान ने उसी को मेरी कनिष्ठ विभूति और उत्कृष्ट विभूति दो प्रकार की विभूतियां बताई भगवान ने। ये जो प्रकृति है यह मेरी कौन सी विभूति है, कनिष्ठ विभूति है, अपरा। और श्रेष्ठ विभूति क्या है, उसको भगवान ने जीव को कहा कि ये जीव मेरी जो है श्रेष्ठ विभूति है। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दो प्रकार के प्रकृति की बात है। तो भगवान की दो प्रकार की प्रकृति है, शक्ति है, विभूति है, और उन विभूतियों से युक्त होकर के भगवान ने 7वें अध्याय में कहा कि मैं जगत का सृजन और प्रलय करता हूँ। यानी कि मेरी दो विभूतियां हैं, इन दो विभूतियों से सहित स्वयं मैं जगत का करता हूँ, पालन करता हूँ और संहार करता हूँ। तो अब वही जो है उसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के द्वारा और विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि जो वहां पर संक्षिप्त रूप में भगवान ने कहा था उसी ज्ञान विज्ञान को यहाँ पर विस्तार से कहने की भावना से यह अध्याय प्रारंभ होता है। अध्याय का प्रारंभ ही भगवान के वचन से है। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदः। करेंगे हे कौन्तेय इदं शरीरं क्षेत्रम्, इस शरीर को ही भगवान ने कहा कि क्षेत्र है। अभिधीयते मतलब इसको जानो, इस शरीर को ही क्षेत्र जानो। और यतद एतद यह व्यक्ति जो इस प्रकार से इस शरीर रूपी क्षेत्र को जानता है, तम नहीं, इसका अर्थ इस प्रकार से है कि तुम इस शरीर को क्षेत्र समझो, क्षेत्र जानो। और एतद यह व्यक्ति इस शरीर को जो जानता है, इस शरीर को कौन जानता है, क्योंकि दो तत्व का समावेश है, ये जड़ तत्व शरीर है और इसमें एक चेतन तत्व जीव है, इसलिए शरीर तो क्षेत्र हो गया। और शरीर रूपी क्षेत्र को जो जानने वाला है, यानी कि शरीर में जो कुछ भी सुख दुख आदि की अनुभूति हो रही है उस अनुभूति को अनुभव करने वाला है, जो जानने वाला है, तो इस शरीर रूपी क्षेत्र में सुख दुख रूपी जो कुछ भी हो रहा है उसको जानने वाला जो है उसको भगवान कह रहे हैं तम क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः, उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। कौन कहते हैं, तद्विदः प्राहु। तद्विदः मतलब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानने वाले विद्वान लोग, महर्षि लोग, उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर को क्षेत्र कह दिया, क्षेत्र कहने का कई तात्पर्य है, भाष्यकार ने बताया है क्षतत्राणात, क्षत्र त्राणात, जैसे छत विछत हो जाता है शरीर तो वो उसको त्राण करता है, रक्षा करता है स्वयं से। या शरीर क्या होता है कि शरीर को हम बचाते हैं कहां से, चोट ना लग जाए, तो जहां चोट लगने के डर शरीर वहां से भागता है। तो इस शरीर को हम क्षत विक्षत होने से रक्षा करते हैं, इसलिए इसको क्षेत्र कह दिया। अथवा क्षयात, नष्ट होने के कारण क्षयात क्षेत्रम, क्षय होने से भी इसको क्षेत्र कह दिया जाता है।
अथवा क्षरणात् क्षेत्रम, क्षण होने से भी इसको क्षेत्र कह दिया जाता है। क्षण होता है, इसमें परिवर्तन होता है, ये धीरे धीरे क्षीण होता है और क्षीण होकर एक दिन नष्ट हो जाता है, तो क्षरण होने से भी इसको क्षेत्र कहा जाता है। अथवा कई प्रकार से व्याख्या की है, अथवा क्षेत्रवद इति क्षेत्रम, क्षेत्र यानी कि भूमि के समान होता है, खेत जिसको बोलते हैं, क्षेत्र सबसे ही खेत बना है। तो क्षेत्र जिस प्रकार से होता है, क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र यानी कि खेत में हम फसल लगाते हैं और उस फसल को प्राप्त करते हैं, तो वो फसल को कौन प्राप्त करता है, किसान, क्षेत्रज्ञ है, खेत को जानने वाला कि ये मेरा खेत है, इस प्रकार से मेरे खेत में ये फसल हुई है तो वो मेरा अधिकार है, और उस खेत में हुए फसल को फल रूप में वो किसान उसका उपभोक्ता होता है। तो इसी प्रकार ये शरीर भी एक प्रकार का खेत है, तो शरीर रूपी क्षेत्र में क्या होता है, सुख दुख होता है, और उस सुख दुख का अनुभव करने वाला एक क्षेत्रपाल है जो जीव है, उसको क्षेत्रज्ञ कह दिया भगवान ने। तो इसलिए क्षेत्र के सदृश होने के कारण भी इसको क्षेत्र के रूप में कल्पित करके समझाने के लिए, कि ताकि समझ जाता है व्यक्ति। इसलिए बार बार ये क्षेत्र शब्द वैदिक शब्द है, और वेदों में और सूत्रों में क्षेत्रवत, क्षेत्रिकवत ऐसा करके उदाहरण दिया जाता है। इसका मतलब वैदिक काल जो है वह कृषि काल रहा है, इससे पता चलता है कि बहुत पुरानी परंपरा है और किसान को और खेती को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए समझाने, आत्मा को भी समझाने के लिए खेत और किसान की बातें आती है, योग दर्शन में भी तथा क्षेत्रिकवत ऐसा करके सूत्र आता है। तो भगवान ने कहा कि शरीर को क्या समझो, क्षेत्र के जैसा समझो, इसको क्षेत्र समझो, और इसमें होने वाले जो सुख दुख आदि है उसको जो जानने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ समझो। ऐसा स्वयं भगवान नहीं कहेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान ऋषि मुनियों विद्वानों को गौरव देने के लिए कह रहे हैं कि तद्विदः, उसको जानने वाले प्राहु ऐसा कहते हैं। तो ये दो तत्व हो गए, एक क्षेत्र हो गया और एक क्षेत्रज्ञ हो गया, उसी को जो है प्रकृति और पुरुष कहते हैं। शरीर क्या हो गया, प्रकृति का ही विकार है, तो प्रकृति समझिए, और इसमें रहने वाला जो पुरुष है, पूरी शयनादिति पुरुष है, इस शरीर रूपी पुरी में शयन करने को पुरुष, मतलब उसी आत्मा और शरीर आदि को अलग अलग शब्दों से कहा जाता है। तो वहीं पीछे कहीं अधिभूत, अधिदैवत इत्यादि शब्दों से कहा गया, वही यहां पर क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, कहीं प्रकृति, कहीं पुरुष इत्यादि शब्द प्रयोग किए जाते हैं समझाने के लिए, कि जिस प्रकार से शिष्य समझ जाए, शिष्य के मस्तिष्क में वह बात बैठ जाए, तो नाना प्रकार से समझाने वाले आचार्य गुरु कहते हैं। इसलिए यहाँ पर भी भगवान जो गुरु रूप में हैं वह अलग अलग प्रकार से अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह दो तत्व हो गया, प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और जीव। एक तीसरा भी तत्व है, वह ईश्वर है, तो उसके विषय में कह रहे हैं भगवान, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। भगवान कह रहे हैं कि मामपि क्षेत्रज्ञं विद्धि, तुम मेरे को भी क्षेत्रज्ञ जानो, और क्यों, क्योंकि सर्व क्षेत्रेषु, समस्त क्षेत्रों में विद्यमान मैं जो हूं, मैं भी क्षेत्रज्ञ ही हूं, क्योंकि जीव तो एक खेत का मालिक है, एक शरीर उसके लिए एक ही है ना, लेकिन भगवान कितने खेत के मालिक हैं। तो कह रहे हैं कि सर्व क्षेत्रेषु भारत, हे भारत, सब क्षेत्रों में मैं निवास करता हूं, जीव तो किसी एक ही क्षेत्र में निवास करता है। जीव का एक व्यक्तिगत शरीर है, उसी शरीर में, उस शरीर में होने वाले जो सुख दुख है उसी को अनुभव करता है, और उसमें भी जो कुछ चल रहा है उसका स्वयं के जिम्मेदार एक ही शरीर के प्रति कारण होता है, लेकिन मैं जो हूँ समस्त क्षेत्रों में, यानी कि जितने खेत वाले हैं उन खेतों के ऊपर मेरा कब्जा है। जैसे होता है ना कि सरकार चाहे तो कभी ना कभी ले लेती है, उसको कोई काम लगता है कि भाई सड़क बनवानी है या कुछ करवाने हैं, चाहे उसका अपना खेत है उसका अधिकार कर लेती है सरकार, अब मुआवजे दे देती है, उसकी कृपा है, ना देवे तो भी क्या कर लेगा कोई व्यक्ति उसका, तो सब क्षेत्रों पर उसका अधिकार है।
तो एक क्षेत्र हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया, और दूसरा एक और क्षेत्रज्ञ है जो समस्त क्षेत्रों में विद्यमान रहता है, जो समस्त शरीरों में विद्यमान रहता है। वो कह रहे हैं भगवान माम विद्धि, मेरे को भी क्षेत्रज्ञ ही समझो। यानी कि ये तीसरा क्षेत्रज्ञ जो हो गया वह ईश्वर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ ही हूं, क्योंकि सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम। कैसा क्षेत्रज्ञ हूं? सब क्षेत्रों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूं मैं, ऐसा विद्धि मेरे को जानो। और फिर भगवान कह रहे कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर यत ज्ञानम तत् ज्ञानम मम मतम। कह रहे हैं भगवान कि जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है ना, वास्तव में मेरे मत में यही ज्ञान है। यानी कहने का मतलब कि ज्ञान के नाम पर कि जो ज्ञान भाई आपको समस्त प्रकार के दुखों से निवृत्त कर सकता है, वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही हो सकता है। उसके अतिरिक्त ज्ञान तो अज्ञान ही है। उन समस्त अज्ञान को, शास्त्र ज्ञान आदि को भी जो है उपनिषदों में तो अज्ञान ही कहा है, ब्रह्म ज्ञान को ही केवल ज्ञान कहा है, और उसी ज्ञान से मुक्ति होगी, ज्ञानान मुक्ति। यानी कि समस्त प्रकार के दुखों की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से ही संपन्न है, भगवत साक्षात्कार से ही संभव है। इसलिए कह रहे हैं भगवान कि मेरे मत में, मेरा मानना यह है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जिसको ठीक प्रकार से बोध हो गया, पहले तो मस्तिष्क से बोध होना और फिर उसकी अनुभूति हो जाना, वास्तव में यही ज्ञान है, बाकी सब तो अज्ञान है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम यद ज्ञानम तद ज्ञानम, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है, बाकी सब मिथ्या ही अज्ञान ही है, ऐसा मम मतम, ये मेरा मत है।